like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine. Hi, good morning everyone. This is Sakshi Dhanjal and welcome back to my channel. And मैं अभी जस्ट सो के आधे घंटे पहले ही उठी हूँ एंड नींद पूरी नहीं हुई मेरी. आई एम सो टायर्ड स्टिल बिकॉज देर इज आज भी बहुत कुछ है कवर करने के लिए और आज मेरे स्टे का ठिकाना नहीं है. सो आई एम गोना टेल यू वेयर आई एम गोना स्टे. सो यू नो ब्रेकफास्ट आ चुका है विद द सैंडविचेस एंड इसको भी खोल के दिखाती हूँ मुझे. बट पता है ये जो जालियाँ हैं ना ये चारों तरफ है, मतलब ये सारी जगह जालियाँ हैं. अगर मैं इसको भी हटाऊंगी इसके पीछे भी जालियाँ. पता है जालियाँ क्यों होती है कि जगह हवादार रहे. आप दो मिनट व्यू देखो, मैं आपको ब्रेकफास्ट खोल के दिखाती हूँ. आई होप आप लोगों को कल की वीडियो अच्छी लगी होगी. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट. ये कल जो था वो रॉयल वीडियो था, आई मीन रॉयल शमशान का वीडियो था. सो दिस इज द ब्रेकफास्ट, दिस इज सैंडविच एंड लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट. पता है यहाँ पर ना छत से द व्यू दिखता है ना, तो दैट इज़ अ व्यू. अगर मैं जूम करती हूँ तो फोर्ट का दिखता है. और कल तो मैं फोर्ट में ही थी, आई डिड शॉपिंग और मैंने आपको बताया आप कहाँ से शॉप कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट विद द ईटिंग अभी क्योंकि भूख लगी है. कोल्ड कॉफी फाइनली. सो दिस इज़ यहाँ का कहते हैं कि इसके अंदर जो सामान डला हुआ है दिस इज़ काइंड ऑफ द लोकल सैंडविचेस. पता ये उसी टाइप का जो हम दिल्ली में खाते हैं, मम्मा बनाती है मम्मी के हाथ का. दिस इज़ सो यम. सिटी है एग्जैक्टली वहीं पर. हवा इतनी तेज चल रही है, मतलब यहाँ पे आप कल्चर देख सकते हैं. पार्क करनी है तो ये वाले एरिया में पार्क हो सकती है गाड़ी. एंड पर यहाँ का सनसेट व्यू बहुत ही प्यारा होता है. तो अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट्स के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी हो सकता है. सो बड़ा पार्क. अच्छा हाँ वहाँ दिख गए, वहाँ पे बड़ा पार्क है. हमने कल बड़ा बड़ा वीडियो में आप देख सकते हो कवर किया था. इसके टॉप से फोर्ट व्यू है. चलो सही है, आपने फोर्ट व्यू लेना तो उसके टॉप से प्रॉपर फोर्ट व्यू आता है गाइस. एंड फोर्ट में आपको बता चुके हैं उस तरफ है. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ. दी राठौर हेरिटेज. बाय बाय, सी यू विद द नेक्स्ट टाइम. और यहाँ पे आके ज्वाइन करना. कुछ बोलना है आपने? बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं. सो यहाँ पे इनका ये नई प्रॉपर्टी जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं. एंड यू नो इट्स रियली पॉकेट फ्रेंडली. Beautiful vibes. So guys, आज की लोकेशन है अमर सागर और ये मेरी आज की आखिरी लोकेशन है क्योंकि मैं जैसलमेर छोड़ रही हूँ. मैं जा रही हूँ अहमदाबाद. तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरन टूरिस्ट 100 कैमरा 50 मोबाइल कैमरा 50. अच्छा मतलब मोबाइल कैमरा की 50 रुपये लूट लो आप विदाउट टिकट, नॉट अलाउडेड. अरे 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 मुझे लग रहा है कि फ़ोन अंदर ही रखना पड़ेगा जेबों में छुपा के. अगर आप आ रहे हो तो आपको मोबाइल के टिकट के पैसे देने हैं और किसी चीज़ के नहीं देने. तो मैं आई हूँ जैन मंदिर, अमर सागर जैन मंदिर. यार ये जगह लोकेशन बहुत प्यारी है शूट के लिए. मंदिर उस तरफ है, पहले हम वहाँ चलेंगे जो शूट वाली लोकेशन है, फिर हम वो करेंगे. ऑलरेडी लोग जा चुके हैं शूट के लिए. तो मंदिर वो रहा. So guys, मैं खड़ी हूँ सेल्फी पॉइंट जैसी जगह पे जहाँ पे पत्थर के ऊपर चढ़ना पड़ता है. नीचे पत्थर है एंड पीछे जो है ना पूरा फूलों का बगीचा है मेरे. इधर से लेके इधर तक पूरा फूलों का बगीचा है. एंड अब मैं जाऊँगी इसके बाद ही फूलों का बगीचा क्रॉस करने के बाद जो कि कांटों से भरा पड़ा है मंदिर की तरफ. चलो चलते हैं क्योंकि हमने बहुत फ़ोटो खिंचवा ली. सो अगर ऊपर की तरफ आते हैं देन मंदिर तो बंद है यार. पैसे किस चीज़ के लिए फिर कैमरा के? अभी फिलहाल मंदिर बंद है गाइस. बट पीछे कहते हैं अमर सागर यहीं पर है.
में कोई सागर नहीं दिख रहा, बट बच्चे जरूर खेलते हुए दिख रहे हैं उस तरफ। अगर मैं अंदर की तरफ झांकूं तो आई गेस जैन मंदिर है ये, और जानिए अपने एंसेस्टर्स को बहुत माना जाता है। तो वैसे ये अमर सागर था कभी, बट अभी ड्रॉट की वजह से सब सूख चुका है। आप देख सकते हो तो मेरा पुल, बड़ी सारी जगह और वाटर स्टोरेज एरिया। तो चलते हैं हम अहमदाबाद की तरफ। सो आप यहाँ आ सकते हो, फोटोग्राफी बहुत अच्छी होगी आपकी, बट कैमरा और वो फोन के रेट से ही है। मंदिर के पट्टी बंद होगा मेरा एंट्री करते ही, गाइस बताओ। पुजारी जी भी कह रहे हैं अब, शुक्रिया पुजारी जी। तो ये बीच में गॉड विष्णु है, आदिनाथ है। अच्छा अच्छा जैनों के पहले, ओके अच्छा, वो जो नारायण जी का जैसे मंदिर बना हुआ, ये विष्णु मंदिर नहीं, ये जैन मंदिर। अच्छा ओके, प्यारी काशी कितनी प्यारी हो रखी है गाइस यहाँ पे। मैं इस वक्त आईफोन से शूट कर रही हूँ, जस्ट नॉर्मल वन पे चेक करो यहाँ की मंदिर के काशी। ये 2067 फाल्गुनी से श्री अगरखाग्रमगद, ओ माय गॉड मेरी हिंदी बहुत वीक है, श्री आतुदानाथ आदिनाथ, आदिनाथ जी की गए थे। सो कहते हैं कि जो पीछे हमने सागर देखा था ना गाइस, तो उसके लिए मतलब जब बरसात होती है ना तभी पानी आता है और पानी स्टोर किया जाता है, और वो पानी कम से कम एक साल के लिए स्टोर रहता है, और उसको उसी पानी को गांव वाले यूज़ करते हैं पीने के लिए। सोचो एक हार्वेस्टिंग सिर्फ 3 महीने, वो जून जुलाई का महीना मानसून का, और वो पानी एक साल तक गाँव वाले यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर पूरे वाटर प्लांट्स बने हुए थे। सो गाइस अभी जो रास्ता बचा हुआ है वो 7 घंटे के आसपास का है, और मैं जा रही हूँ अहमदाबाद की तरफ। अब मेरा नेक्स्ट डे वही होगा, एंड आज मेरा ड्राइविंग डे है, तो मैं ड्राइव पे फोकस करती हूँ, इसको पकड़ने की जगह, ये हिल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आज ड्राइविंग डे है तो ड्राइव पे फोकस करते हैं, क्योंकि अभी कुछ राजस्थान क्रॉस होने में बहुत टाइम है, और 7.5 किलोमीटर अभी बचा है जहाँ पर मुझे पहुँचना है। सो अभी भी मेरा रास्ता जो है वो 250 किलोमीटर का बाकी है, और रास्ता इतना ख़राब है पूछो मत, माय गॉड पूरा बम्पर लगने वाली जगह। और शाम के 6:30 बज रहे हैं, मतलब मैं 10-10:30 बजे पहले पहुँचने ही वाली हूँ, और रास्ता ठीक नहीं हुआ तो ऐसे हो जाएगा, प्रीटी श्योर टोल टैक्स किस ले लेते हैं इंडिया में रास्ता ठीक ना करने के। और राजस्थान के रोड्स बहुत प्यारे हैं, जैसे मिल तक आप आ रहे हो ना, रोड्स ऑसम है। शीशा पूरा गंदा है, एंड मैं किसी स्टेडियम के बाहर हूँ, एग्जैक्टली किसी स्टेडियम के बाहर हूँ, इवन आई एम नॉट श्योर मैं कौन सा स्टेडियम के बाहर हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ आपका गुजरात, एंड मैं मतलब एंट्री ले चुकी हूँ अहमदाबाद में, ऑलमोस्ट अहमदाबाद के अंदर ही हूँ मैं, और मेरा रास्ता अभी भी कुछ 30 मिनट्स का बचा है, तो विल बी देयर वेरी रियली रियली सून। सो फटाफट पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन। मैंने सुबह से आज व्लॉग नहीं करा, मैं हूँ NH 68 पर, और मेरे को पता है बीच में चेकिंग के वक्त ना मतलब लड़कियों को भी नहीं देखते लोग, सारे के सारे क्या ही बताऊँ इनका, लड़कियों को भी नहीं देखते, और पता है कितनी गंदी चेकिंग करते हैं, कितनी गंदी मतलब लड़कियों की अटैची भी खोल खोल के, जैसे पता नहीं उनके अंदर दारू की बॉटल है, पता नहीं कौन कौन सी वाइन वगैरह निकलेगी, ऐसे चेकिंग करते हैं। चलो मैं ड्राइव पे फोकस करती हूँ, आज फाइनली मैंने उन लोगों की बात रख ली कि कार गाड़ी चलाते हुए साक्षी कैमरा मत यूज करा कर। सो आई केम टू अ फ्रेंड हाउस, एंड मेरा पूरा सामान मेरा फैला हुआ, एंड ये मेरे फ्रेंड्स का सामान। फिलहाल मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ, आई एम गोना सी यू टुमारो विद द व्लॉग।
इट्स लेट, आई वॉज ड्राइविंग. आज मैंने बहुत टाइम बाद ड्राइविंग करते हुए वीडियोज़ कम बनाई है. सो इट टुक मी अराउंड, मैं 1 बजे निकली थी और अभी बज रहे हैं 12:30, 13 घंटे के आसपास. सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट व्लॉग ऑफ एंड सून यू गोना गेट स्टैचू ऑफ यूनिटी व्लॉग. सून मीन्स सून. एंड हाउ टू प्लान, हाउ टू मेक एवरीथिंग एंड आइटनरी एंड एवरीथिंग. सी या टुमारो.